पा रहा, इसीलिए दौड़ते हैं। कोई है इसके दूसरी चीज के लिए दौड़ता है? नहीं, आने वाली पीढ़ी के शिक्षण और उनके समृद्धि के, क्योंकि हम उनके लिए इतना जीवन नहीं लाए, हम तो निकल जाएंगे, लेकिन हम जाने के बाद का उनका जो जीवन है ना, वह हमारे हाथ में, आपके हाथ में। हम कोई यह परमानेंट वीजा लेके यहाँ लेके नहीं आया, सब बढ़ोतरी है निकल जाने। तो ये जो अन्न वस्त्र निवारा का चीज है ना, उसमें से अन्न एक चीज है, उसमें दो चीजें रहती है, बेवरेजेस और न्यूट्रिशन। बेवरेजेस का मार्केट कितना है ना, आप सोच तक नहीं सकते। बिस्लेरी नाम सुना है? कितने लोगों ने बिस्लेरी नाम सुना है? सबने सुना है। इनकी बच्ची, इन्होंने कारोबार तैयार किया, इनकी बच्ची जो प्रोफेशन में जाना चाहती थी वो था फैशन डिजाइन। माँ बाप ने बोला आपको फैशन डिजाइन अच्छा लगता है, आप फैशन डिजाइन में चले जाओ, लेकिन बिस्लेरी का क्या करें? तो बोले आपको जो करना है कर दो। तो उन्होंने वो बेचने को निकाली, बिस्लेरी बेचने को निकाली, तब खरीदने कौन आए? बहुत सारे दिग्गज, क्योंकि बिस्लेरी ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी थी और बिस्लेरी ने ही पानी मार्केट में लाया था। तो वो तैयार थे सब लोग लेने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस तो चलेगा ही, क्योंकि इसका सिस्टम क्या है, मजबूत है। सिर्फ उस सिस्टम उठाना है और उसको चलाना है। तो टाटा जी ने उनको रिक्वेस्ट भेजी और टाटा जी ने वो खरीदने को, पूरा पेपर तैयार हो गया। और जब वो पेपर बंद रहा था तब वो बच्ची वहां बैठी थी, माँ बाप बैठे थे, टाटा जी बैठे थे। जब लास्ट साइन करनी थी सिग्नेचर कि ये मुझे, मैं सब छोड़ के आपको दे रही और आप इसके मालिक हो जाओगे, तब उस बच्ची के दिमाग में आया, पिताजी ने तो इतना जीवन पूरा लगा दिया अपना पैशन, और मैं मेरा जीवन लगा रही हूँ अपना पैशन के लिए, लेकिन जिस पैशन पे उन्होंने जो बनाया है वह ऐसे ही छोड़ने के लिए, जब सिग्नेचर की बारी आई, उस अंगूठे की बारी आई, तब वो हिचकिचा गए। और वो टाटा जी के वहां देखती और पूछती है, क्या मैं ये बिजनेस चला सकती हूँ, मुझे आपको वो बेचना नहीं है। देखो, कोई और रहता था ना तो वो नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन एक अच्छा व्यक्तिमत्व, एक अच्छा संस्कार दिया। टाटा जी ने यही कहा, जो बिस्लेरी का बिजनेस है वो टाटा बिस्लेरी के नाम से चलता था, क्योंकि बिस्लेरी तो ब्रांड बन चुका है, टाटा ब्रांड बन चुका है, सिर्फ दो ब्रांड एक साथ जोड़ के मैं चलाने वाला था। सिस्टम जो आपके पिताजी ने लगाया वो ही चलने वाला था, वो आप चलाओ या मैं चलाओ, वो सिस्टम तो चलेगा ही। जब उन्होंने कहा कि मैं चलाना चाहती हूँ, तो टाटा जी ने उनको वो उनकी कंपनी सुपुर्द कर दी और बोले कि आप करो। लेकिन हाँ, बेवरेजेस का बिजनेस कैसे है, बहुत बड़ा है, इसलिए मैं भी बिजनेस आपको कॉम्पिटिटर के हिसाब से निकलूंगा। कॉपर टाटा पानी मार्केट में आ गया है, आपको पता है कि नहीं पता है, टाटा कॉपर ऐसा पानी मार्केट में आ चुका है और उसका उन्होंने बेवरेजेस मतलब पानी में बिजनेस में हो गया। इसके ऊपर एक और आंख थी, तीसरी आंख रहती है ना, ये तो दो आंखें हो गई, तीसरी आंख भी थी बेवरेजेस पर और उसका नाम है अंबानी। ईशा अंबानी बेवरेजेस में आना चाहती थी, तो उन्होंने अभी क्या, कौन सा बेवरेज, उन्होंने देखा कि बिस्लेरी तो मार्केट में है, टाटा जी बेवरेजेस में आ गए। कैंपा कोला नाम सुना है किसी ने? बहुत पहले चलता था, बहुत कभी शादी में चले जाते थे, उस वक्त खाना खिलाने की हमारी उतनी ये नहीं थी, तो बाटली लेके लोग बैठ जाते थे, आराम से पीते थे और निकल जाते थे। वही कैंपा कोला बेवरेजेस के हिसाब से अगर जायंट इंडस्ट्रियलिस्ट, जायंट है अंबानी, बहुत बड़ा है, वो पानी नहीं छोड़ रहा है, वो अगर बेवरेज नहीं छोड़ रहा है तो आप क्यों छोड़ रहे? अभी आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लीम ने बेवरेजेस 40 साल पहले हमारे यहाँ लाया है। काटो, जोड़ो, आता होगा कॉफी का, लेमोनजी का, आप क्या करते हो, उसको काटते हो, पानी में घोलते हो और पीते हो, क्या मिलता है बेवरेज? हाइड्रेशन टू बॉडी, न्यूट्रिशन टू योर बॉडी। इसको क्या करते हो, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, सिस्टम भी चालू है, ये सिस्टम भी चालू है। इसके साथ सिर्फ किसका नाम जोड़ना है, मेरा नाम जोड़ना,
समझ में आ रहा है इससे क्या करना है, जुड़ना है। जैसे टाटा बिस्लेरी हुई, उन्होंने अपना नाम जोड़ा, वैसे इसको काटो घोलो और पी लो। आसान है बेवरेज और प्राइस भी कितनी है इसकी, बहुत नॉमिनल है। बच्चे से उम्र के कौन से भी लेवल तक आप इसको पी सकते हो। कोई ऐसा है जो ये पी नहीं सकता? ये कौन पी नहीं सकता? जिसका निर्णय नहीं हुआ है, जिसका निर्णय हुआ है वो जरूर पिएगा। और मार्केट में जिसकी जरूरत है ना वही मार्केट में उतरता है, गलत चीज है। आपने आलिया भट्ट नाम सुना है? कोई है ऐसा आलिया भट्ट नाम नहीं सुना है? इसका एक बच्चा है। हाँ, वो बच्चा होने से पहले कोविड में जब उनको पता चला कि जो स्किन ब्यूटी है वो ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है, उसने क्लॉथ का मार्केट शुरू किया। क्लॉथ का मार्केट मतलब कपड़े का, अन्न वस्त्र निवारा, अभी वस्त्र पे आ रही हूँ, वस्त्र का कारोबार शुरू किया। जीरो से 24 तक, मतलब जो इन्फेंट्स कहते हैं, इन्फेंट मतलब जो नन्हा बच्चा शिशु कहते हैं, जो शून्य से उम्र से 24 महीने की उम्र तक है, उनके कपड़े का कारोबार शुरू किया। उनका कारोबार गया 200 करोड़। उन्होंने देखा ये कारोबार अच्छे से बढ़ रहा है और अभी उनकी बच्ची आई, तो बच्ची को टाइम देना जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्ची को टाइम देना, अगली जनरेशन को टाइम देना। तो उन्होंने क्या किया, वही बिजनेस को रिवाइंड किया, मतलब उसको बढ़ाया कि जो जीरो से 24 महीने का जो बिजनेस था, उन्होंने उनको टीनेजर तक लेके गया, मतलब 18 की उम्र तक बच्चे के कपड़े वो निर्माण करने को शुरू की। वो नर्सिंग मदर के गाउन, जो भी जो इस इलाके में आता था शून्य से, मतलब प्रायर प्रेगनेंसी अलाउंग, मतलब प्रेगनेंसी रहने से पहले अलॉन्ग विद द प्रेगनेंसी और बाद में 18 की उम्र तक उन्होंने बिजनेस बढ़ाया। आज उनका टर्नओवर देख लो, जो 200 करोड़ का था कोविड में, आज का उसका टर्नओवर 1000s में गया। और ये औरत कौन है? जिसके पिताजी महेश भट्ट है, जिनके ससुर जी ऋषि कुमार है, जिनके हस्बैंड कौन है? इनको जरूरत है पैसे की? घर से निकली भी नहीं ना, धूप देखी भी नहीं ना, तो भी ये 100 साल उधर उस रह सकती है। लेकिन एक सोशल लाइफ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बच्चे के सामने एक प्रॉपर स्टेटस के लिए वो काम करे। और भी दूसरा एक चीज है कि हम ना कि औरत के साथ औरत नहीं जुड़ती, बार बार बोलते हैं ना, आज दो औरतें एक साथ जुड़ गई है बिजनेस के लिए, ईशा अंबानी और आलिया भट्ट, दोनों एक साथ आ गए, दोनों भी जायंट्स हैं। हम कहते हैं ना नेटवर्क, अगर ये बड़ी औरतें बड़े नेटवर्क वाले एक साथ जुड़ के मार्केट हथियाना चाहते हैं, मार्केट में सोशल कॉज के लिए काम कर रहे, तो हम भी कर सकते हैं। yes. ताकि हमारे बच्चे हमारे सामने प्राइडली देख सकते हैं, एक सम्मान से देख सकते हैं। नहीं तो बच्चा क्या बोलेगा, क्या है बर्तन बासी देते हैं, करो वो सब करो, लेकिन जब आपका नाम लिया जाए तब वो बच्चा सोचना चाहिए इस माँ का मैं बेटा हूँ। पहले तो बच्चे को जानते हैं, लेकिन उस बच्चे के नाम से माँ बाप को भी जाना जाएगा। लेकिन उनके लिए अभी ही आपको कुछ करके रखना पड़ेगा। आने वाला कोई भी आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड आपके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करने वाला। अभी थोड़ी देर पहले सिंह साहब बोल रहे हैं कि वो बच्चे का फ्रेम जो रहता है ना, वो रात तक सोने नहीं देता है। फ्लाइट जब तक लैंडिंग नहीं होती है, याद रखना, यहाँ से टेक ऑफ भी करोगे ना, मृत्यु भी आएगी ना, तो वो शान से आनी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे के लिए मैंने कुछ छोड़ दिया। जाने के बाद भी मेरे बच्चे को वही सम्मान मिलना चाहिए जो समाज में सम्मान मिलना चाहिए, और डॉक्टर लिंडसे यूजिन ने वो प्लेटफॉर्म सभी के लिए दिया। कोई एक विशिष्ट वर्ग के लिए और विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है, जो भी सपना, अपना सपना है, अपना निर्णय है, वो सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं और वो साम्राज्य खड़ा करके अपने आने वाली 3 पीढ़ियों तक रख सकते हैं। 3 साल के लिए आए हो या 3 पीढ़ियों के लिए आए हो, आपका निर्णय आप कर सकते हो। और आदमी नहीं, औरत भी कर सकती है। और मैं चाहती हूँ जो भक्ति आप करते हो, नवरात्र की है, देवी माँ की है, जो भी है, उस भक्ति को आप शक्ति बना के एक निर्णायक जो है वो अपने बच्चे के लिए जरूर छोड़ दीजिए।
एक कथा के साथ मैं संपूर्ण करूंगी। कथा चाहते हो? यस। 2 मिनट की। जब छोटा लल्ला, जो हम कहते कृष्ण, उसको बंधा गया क्योंकि बहुत नटखट थे, तो उसको गांव में छोड़ के तो वो बहुत तकलीफ दे रहा था। तो यशोदा माँ ने उसको क्या किया, एक खंभे को बांध के रख दिया। खंभे को जब बांध के रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया, तो उसको छोड़ने के लिए कोई था क्या? कोई था नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन उस वक्त भी वो नामस्मरण, मतलब आप क्या कहते हो, वो विचार कर रहे थे कि मैं किसी का क्या अच्छा करूं। वो कर्म तो ऐसे करते थे कि लोगों को लगता था बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म अच्छे करते थे इसलिए बंधे गए थे। उस विचारधारा में क्या हुआ कि उस खंभा जो था, उस खंभे में भी कुछ ऐसी चीज थी कि गलत चीज की वजह से वो खंभा हुआ था। तो उसका उद्धार उस वक्त हुआ क्योंकि साक्षात कृष्ण भी उसके बंधे हुए थे। और उसी थोड़ी देर बाद वासुदेव जो उनके पिता थे, वो वहां पे आके नंद महाराज, उन्होंने वो उनका बंधन खोल दिया। इससे क्या समझ में आता है, आप जब बंधन में होंगे ना, तभी भी किसी को छोड़ने की, किसी की मदद की तैयारी में जरूर रहना। उत्तर वाला आपके बंधन को तोड़ने के लिए यही रिएक्शन है। खुद को बंधन से मुक्त करो, और अपने आप को जब बंधन से मुक्त करते हो तो अपने आप दूसरे को बंधन से मुक्त करते हो, और जब ऊपर वाला आपको मदद करता है तो एक शानदार जिंदगी जीने के लिए आप तैयार रहते हो। थैंक यू सो मच।